8 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब भारतीय क्रिकेट टीम 12 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चेन्नई के एमएस चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलेगी। सवाल यह है कि वो कौन खिलाड़ी है जो भारत का खिताब का इंतजार खत्म करवा सकता है, जो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है। मंगलवार 27 जून को वनडे वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया। करीब 7 हफ्ते यानी कि 46 दिन के इस टूर्नामेंट में हर टीम लीग स्टेज में 9 मैच खेलेगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल की तस्वीर और विजेता की तकदीर साफ होगी। शेड्यूल का इंतजार तो खत्म हो गया है, लेकिन अब चर्चा टीम को लेकर हो रही है कि किसे जगह मिलेगी और कौन बाहर होगा। हर वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड ही चुना जाएगा। भारतीय टीम पिछले कुछ महीनों से फिटनेस की समस्या के कारण अपने कुछ खिलाड़ियों के बिना ही खेल रही है, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत सबसे अहम हैं। इनमें भी पंत का खेलना अभी भी मुश्किल है, लेकिन बाकी 3 फिट हो सकते हैं, जो भारत की ताकत बढ़ानी तय है। भारतीय टीम की बैटिंग की बात करें तो टॉप ऑर्डर के पहले 3 स्थान तो साफ हैं। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी और तीसरे नंबर पर विराट कोहली। मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा सोच विचार का मामला है। अगर श्रेयस अय्यर फिट रहते और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैच प्रैक्टिस हासिल कर लेते तो चौथे नंबर पर उनकी जगह तय हो जाएगी। सूर्य कुमार यादव की जगह को लेकर सबसे ज्यादा सवाल बने रहेंगे और वर्ल्ड कप से पहले जितने मौके मिलने हैं, अगर वे खुद को इसमें साबित कर देते हैं तो उनकी स्क्वाड में जगह पक्की रहेगी। अच्छी फॉर्म की स्थिति में वो अय्यर की जगह भी ले सकते हैं। विकेट कीपर का मसला भारत के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। पंत की कमी यहाँ खलेगी। उनके विकल्प के रूप में ईशान किशन स्वाभाविक पसंद नजर आते हैं और वो स्क्वाड में जगह बना सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन से टक्कर उनको मिल सकती है। इसकी बड़ी वजह मिडिल ऑर्डर या फिनिशर के रूप में सैमसन की काबिलियत ईशान किशन से आगे है। इसके बावजूद विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पहली पसंद केएल राहुल की होगी। इसकी एक बड़ी वजह उनका बैकअप ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालना भी है, साथ ही मिडिल ऑर्डर में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। टीम इंडिया के पास ऑलराउंडर्स के अच्छे विकल्प हैं। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा न सिर्फ स्क्वाड में बल्कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बने रहेंगे। यहां पर सवाल ये आता है कि बैकअप के रूप में स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को जगह मिलेगी या पेसर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को। अक्षर का पलड़ा इस मामले में ज्यादा भारी दिखता है। गेंदबाजी में भारत के पास दमदार विकल्प है, लेकिन सबसे जरूरी है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। अगर वह फिट होते हैं तो टीम इंडिया के पास बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज उपलब्ध रहेंगे। जरूरत के मुताबिक 3 पेसर या 2 पेसर के साथ उतरा जा सकता है। यहां तक कि स्पिनरों का सवाल है तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का स्क्वाड में होना तय है, लेकिन प्लेइंग 11 में शायद ही दोनों साथ में उतरे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।